सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि गन्ने में लगने वाले मुख्य रोग एवं कीट कौन कौन से हैं, बीमारी कौन कौन सी लगती है गन्ने में। गन्ने में जो प्रमुख रूप से लगभग 2 दर्जन हमारे कीट हैं और लगभग 1 दर्जन बीमारियाँ हैं जो अक्सर करके आर्थिक क्षति करती हैं। सो अगर गन्ने को देखें, पूरे पौधे को अगर आप देखें, तो उसमें मिट्टी में भी कुछ कीड़े लगते हैं, जैसे दीमक हो गया, सफ़ेद गिडार हो गया, और मिट्टी के ऊपर भी कीड़े लगते हैं, और उसमें मुख्यतः विभिन्न प्रकार के बोरर्स लगते हैं, जैसे जो छेद करके, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो टॉप बोरर है। अब ये एक प्रकार का कीट है जो कि टॉप से लगता है, इसको नाम ही इसीलिए टॉप बोरर है, ऊपर से लगता है जी। और ये जैसे आप पत्ती को देखेंगे, पत्ती में छेद छेद बन जाता है बिल्कुल, हाँ पीली भी पड़ जाती है बाद में, और अंदर घुस करके ये कीड़ा नुकसान पहुँचाता है, और इससे क्या होता है गन्ने की बढ़वार रुक जाती है, और जब बढ़वार रुक जाती है तो साइड से ब्रांचेस निकलते हैं। जैसे ये ब्रांच निकला है साइड से, इसमें ब्रांचेस निकलते हैं, तो इससे काफ़ी क्षति होता है। अगर शुरुआती अवस्था में अगर इस कीट को भी देखें तो ये कीट है, अगर आप देखें तो ये कीट है, ये इसके अंदर ये कीट, अगर आप हाथ में अगर आप भेज सकते हैं तो ले लें, ये कीट है, ये ऊपर से हाँ ऊपर से आता है और अंदर जा कर के ये कीट क्षति पहुँचाता है। तो इस कीट से अगर शुरुआत अवस्था में अगर कीड़ा ये लग गया टॉप बोरर, तो इससे गन्ने की बढ़वार बिल्कुल रुक जाती है और गन्ना छोटा रह जाता है। बाद की अवस्था में अगर कीड़ा लगता है, जैसे अगस्त सितंबर के बाद जब गन्ना पूरा बड़ा हो जाता है, उसके बाद लगता है तो क्षति कम होती सितंबर अक्टूबर के बाद, परंतु अभी जैसे महीना जो चल रहा है, इस शुरुआत के महीनों में अगर लगता है तो गन्ने के काफ़ी ज़्यादा पैदावार की हानि होती है। सर, टॉप बोरर की अगर बात करें तो किस तरह से इसको रोक सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं? इसको रोकने के लिए हम लोग जो मुख्य रूप से कुछ जैविक नियंत्रण के कीट हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें कि ट्राइकोग्रामा है, ट्राइकोग्रामा कीट का प्रयोग करते हैं, 50,000 कीट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको खेत में कार्ड को स्टपल कर देते हैं, और इसको जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 10-10 दिन के अंतराल पे खेत में लगाते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ ये तो वह इन कीड़ों के अंडों को मारता है ट्राइकोग्रामा, इसी प्रकार से इसके लिए लार्वल कुछ पैरासाइट होते हैं जो इसके लार्वा सुंडी वाली जो अवस्था रहती है उसको मारने के लिए कुछ हमारे पैरासाइट हैं, जैसे स्टेनोब्रकान है, ट्राइकोनोटस है, आइसोटीमा जेवेंसिस है, इस प्रकार के कीट हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं और खेतों में इसको डालने से इसको कंट्रोल कर लेते हैं जी। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा बताइए कीड़ा कौन सा लगता है। अब जैसे ये देखें, ये भी एक कीड़ा है जो कि काफ़ी क्षति पहुंचाता है, ये बीच बीच में गन्ने के खेत आप देखेंगे अक्सर करके गन्ने में बीच बीच में छेद करके दिखाई देता है। इसका क्या नाम है सर? ये स्टॉक बोरर बोलते हैं, ये कीड़ा भी काफ़ी क्षति पहुँचाता है स्टॉक बोरर। और इसी तरह से इंटरनोड बोरर है, जो इंटरनोड बोरर बीच में गन्ने में आप देखेंगे ये आरी नुमा ये गन्ने को काट देता है, अंदर से कीड़ा होता है और इसको काट करके आरी नुमा ये काट करके नुकसान पहुंचाता है। अगर इसको खोलेंगे तो इसके अंदर कीट नीचे अंदर में मिलता है। तो जैसे आपने सर स्टॉक बोरर के बारे में बताया, इसकी रोकथाम किस तरह हमारे किसान कर सकते हैं? जैसे स्टॉक बोरर है या इंटरनोड बोरर है, इन कीड़ों के लिए भी जैसे मैंने पहले बताया ट्राइकोग्रामा के जो कीट है कार्ड को खेत में लगा दें। इसके अलावा हमारे कोटेसिया फ्लेविप्स नामक एक लार्वल पैरासिटाइड है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर कुछ जैविक नियंत्रण, चूँकि हमारे किसान भाई कई बार क्या करते हैं पेस्टिसाइड का प्रयोग ज़्यादा कर देते हैं, तो हमारे ये जैविक नियंत्रण के जो हमारे कीट बड़े छोटे होते हैं, साइज में भी छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, और थोड़ा भी पेस्टिसाइड का अगर प्रयोग होता है तो वो मर जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में पेस्टिसाइड का प्रयोग कम से कम करें, और दूसरा इनके कंजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में अगर पेस्टिसाइड का प्रयोग करना है तो कुछ ग्रीन लेबल पेस्टिसाइड्स हैं उनका प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा अगला जो कीड़ा है वो बताइए कौन सा? ये भी एक कीड़ा है जो पिंक बोरर इसको हम बोलते हैं, और अंदर से कीड़ा हाँ अंदर से छेद करता है और पिंक कलर का कीड़ा होता है, तो ये कीड़ा भी कई बार क्षति ये अन्य फसलों में भी क्षति पहुँचाता है, पर गन्ने में भी ये क्षति पहुँचाता है पिंक बोरर, तो ये भी एक कीट है। और इसके अलावा एक कीट अक्सर करके बरसात के टाइम में ज़्यादा दिखेगा पायरीला, ये अगर इसमें आप देखें ये जो भूरे रंग के ये तितलियां हैं छोटे छोटे, ये पायरीला कीट है, ये पत्तियों से रस चूस करके और उस पौधे की बढ़वार को रोक देता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसके कंट्रोल के लिए भी कुछ प्रीडेटर्स हैं, वो वाले तो नहीं हैं जो ट्राइकोग्रामा, इसके अतिरिक्त इपीरिकेनिया है,
और उसका भी प्रयोग करते हैं, तो उसको 4000 से 5000 कोकून को खेत में अगर डाल देते हैं तो ये कंट्रोल हो जाता है। अगर किसी किसान के खेत में ये फिर केनिया का प्रीडेटर या पैरासिटाइड नहीं मिल रहे हैं, ऐसी अवस्था में अगर किसी अन्य खेत में भी है तो उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वहाँ से लेकर के खेत में डाल सकते हैं।